तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो क्या सभी एकदम बढ़िया होंगे। राशि का स्वागत है कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में। बेसिकली गाइस सर, आज की इस गेम प्ले वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज ऑफ आप सबको तो पता ही होगा कि मेरे पास पहले से ही साली गेम में बुगाटी वेरोन है, बट गाइस सर अभी के टाइम पे मेरे पास इसमें बुगाटी चेरोन भी है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ना कौन सी गाड़ी बेस्ट है, मतलब कि हम इन दोनों के बीच में रेस लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। एंड आपको पता लग जाएगा कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए। बाय द वे, लुक वाइज ना मुझे तो चेरोन सबसे ज्यादा मस्त लगती है, एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से आई डोंट नो कि कौन सी कार ज्यादा बेटर होने वाली है। एंड साथ साथ में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपको कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है, बुगाटी चेरोन या फिर बुगाटी वेरोन। एंड ये मैं सोच रहा कि ये वाली गाड़ी मैंने खुद बाय की है, ये वाली जो गाड़ी है ना वो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट की है। बाय द वे भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे डियर सब्सक्राइबर, आपने मुझे ये वाली गाड़ी गिफ्ट की है एंड इसमें मॉडिफिकेशन भी हो रखी है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज करूंगा, कलरिंग जो है इसकी मैं थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ। एंड आप लोग भी भाई चले जाओ यार, स्पोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। एंड आप लोग भी जल्दी जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। एंड वीडियो के लास्ट में ना मैंने आपको थोड़ी बहुत डिस्कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता रखा है अच्छे से पूरी डिटेल में, सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वर के बारे में, ठीक है, उसमें क्या कुछ है भाई। एंड साथ साथ में आप लोग जल्दी जाओ यार, सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एक बीजीएमआई प्लेयर हो, आपको बीजीएमआई मतलब बीजीएमआई की कोई गेम प्ले वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप जल्दी जाओ यार, मेरे सेकंड चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और थोड़े दिनों के बाद जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद उस पर गेम प्ले वीडियो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे बीजीएमआई के। एंड जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब कर लेना यार। सो गाइस सर, अभी एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने गैराज में एंड इसको अपग्रेड करते हैं एंड देखते हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी आप मुझे बताना कि आपको याली कलरिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर अभी जो मैं आगे करने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड इस पर जो भी सबसे पहले तो देखा जाए ना, इनके जो भी अपना फ्लैग लगा होना चाहिए था भाई, तो इस पर एक तो ज़्यादा मस्त रहता है। एंड यहाँ पर ना इसकी लाइटिंग भी है भाई, एंड इसकी लाइटिंग हम कर सकते हैं ना। हाँ, इसकी लाइटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। ये भाई देखी जाएगी भाई, बाद में देखी जाएगी, बट अभी के टाइम पे इसको रहने देते हैं, कुछ नहीं होगा। एंड ओके, यहाँ पे हम इसकी जो पोजीशंस हैं ना उनको भी चेंज कर सकते हैं। नाइस, ये मस्त है भाई, ये नया अपडेट के बाद ही हुआ है कैसा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि इसमें ऐसा भी हो सकता है। एंड अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं एंड यहाँ पे इसके टायर्स हैं उनको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। सो चलो सबसे पहले ना टायर्स की ही बात की जाती है। ये तो पैसों में है भाई। ओके, इस वाले साइड के टायर देखते हैं। तो यहाँ पे जो टायर्स होने वाले हैं ये भी मस्त लग रहे हैं बाय द वे, देखते हैं कि कौन से ज़्यादा बेटर लगेंगे यहाँ पे। एंड आप लोग मुझे बताना कि इस पर कौन से मुझे टायर्स लगवाने चाहिए, मतलब व्हील्स इसके जो भी हैं। ये नहीं, चलो अभी के लिए मैं ये लगवा लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी कि इनको मैं चेंज कर दूँ। यार यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग, ओह ये भी मस्त है, तो एक काम करता हूँ ये लगवा लेता हूँ भाई। आई डोंट नो कि कौन से ज़्यादा मस्त लगेंगे, बट हाँ अभी एक काम करते हैं हम ना, सबसे पहले तो ना कार पर चलते हैं। एंड कार का जो कलर है ना वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई, तो रेड काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, बट रेड मेरे पास पहले से है। एंड हाँ, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है इसमें ज़्यादा मस्त लगने वाला है भाई तो। एंड यहाँ पे मैंने इसको वाइट किया है एंड जो इसके व्हील्स हैं उनको भी भाई मैं यहाँ पे ब्लैक करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ एंड साथ साथ में जो इसके ये रहेंगे इनको मैं ब्लैक करूँगा। एंड ओके, तो अभी काम करते हैं, आगे चलते हैं। जो इसकी विंडोज़ है ना उसको तो भाई ब्लैक कर रखे हैं। हाँ, इसका ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं हल्का सा ब्लैक रहेगा तो ज़्यादा बेटर लगता है भाई ये। एंड अभी यहाँ पे चलते हैं हेडलाइट की तरफ। हेडलाइट होने वाली है इसकी हमेशा की तरह रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेंगी। एंड यहाँ पर ये ब्लू पट्टी हो रही है ना, तो अगर हम हेडलाइट्स को भी यहाँ पर ब्लू कर दें तो काफ़ी अच्छी वाइब देगा ना। ये हेडलाइट भी ब्लू रहेंगी एंड इसकी ये वाला पार्ट भी इसका ब्लू रहने वाला है। सो गाइस सर, अभी देखो मैंने इस पर जो कलरिंग है ना वो अच्छे तरीके से कर दिया है एंड मुझे तो भाई ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है भाई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसी लगी भाई। एंड अभी काम करते हैं, बैक चलते हैं। एंड अभी जिसके टायर्स हैं ना उसको भी मैंने थोड़ा बहुत बाहर निकलवा रखा है एंड बाकी सब कुछ ठीक है। सो अभी काम करते हैं, सबसे पहले तो ना मैं अपनी जो ये बुगाटी वेरोन है इसको लेके चलता हूँ एंड देखते हैं कि सबसे पहले इसकी क्या कुछ पोजीशन आने वाली है, मतलब कि कैसा परफॉर्म करने वाली है। सुबह काम करते हैं, यहाँ पे प्ले पे चलते हैं, ऑनलाइन पे जाएंगे एंड यहाँ पे ना हम इसकी टेस्टिंग करेंगे हाईवे पे। सो लेट्स गो, अभी देखते हैं कि क्या कुछ सीन रहने वाला है एंड देखते हैं कि इन दोनों में से ना कौन सी कार ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। एंड आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से ना कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी।
सो अभी मैं ना यहाँ पे आया हूँ एंड ये पक्का भाई सब यहाँ पे पेट्रोल पंप होगा भाई, पंप तो है ही यहाँ पे। सो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, अरे भाई बाहर निकाल देना मुझे, बाहर पटक दे, अभी मुझे भाई चला के लेके जाना पड़ेगा इसको बाहर साइड पे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं यहाँ पे ना इसको बाहर लेके चलते हैं। एंड भाई मस्त लग रही है, एक मिनट ग्राफिक्स इसके देख लेता कैसे हो रखे हैं, तो थोड़े बहुत इसको ग्राफिक्स को हाई कर देते हैं अपना, क्या जा रहा है भाई फ्रेम रेट तो भाई हो जा भाई, तू पूरा ही हाई हो जा। स्मोक हाइड नहीं करने, मिरर को शो करवा देंगे, उसका कोई वो नहीं बनता। एंड यहाँ पे तो भाई क्या ही करेंगे, एंड एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं, एंड अभी एक काम करते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं बाहर साइड पे। भाई पिकअप इसकी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, सो लेट्स गो, अभी जल्दी लेके चलते हैं इसको। ओके भाई साहब इसको ध्यान से लेके जाना पड़ेगा, एंड देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। भाई तो ग्राफिक्स एकदम मस्त लग रहे हैं, हाई ग्राफिक्स पे गेम खेलने का मज़ा जो है ना वो भाई अलग ही लेवल होता है, बट हाँ फ़ोन की ऐसी तैसी बहुत होती है भाई। एंड अभी देखते हैं कि कौन सा रास्ता यहाँ से ज़्यादा दूर पड़ने वाला है। सो गाइस सर अभी देखो मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेके आया हूँ, एंड यहाँ से ना मैं भाई इसकी जो स्पीड है ना उसको चेक करने वाला हूँ। भाई देखो अभी हमने यहाँ तक जाने वाले हैं एंड हमको क्लियरली पता लग जाएगा कि इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी है भाई, तो अभी देखते हैं भाई। ओके तो यहाँ पे इसलिए 100+ जा चुके हैं, 150+ हो चुके हैं, ये पिकअप तो इसकी भाई काफ़ी ख़तरनाक है। ओके 200+ ये हो चुके हैं, एंड अभी देखना ये है कि ये भाई कितनी टच कर पाएगी। ओके 250+ भी चली गई, और अभी तक भाई ये 300 टच करने वाली है, और 300+ भी हो चुकी है भाई। ओके पिकअप इसकी एकदम मस्त है भाई, तो चिरोन की देखते हैं भाई, चिरोन आई थिंक सो इससे अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ओके सो गाइस यार अभी जो इसकी स्पीड है वो 370+ हो चुकी है, एंड देखते हैं कि कहाँ तक जाने वाली है। आई थिंक ये 400 हिट कर जाएगी क्या भाई, तो मैकलैरन की ना 400+ होगी शायद, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे याद नहीं आ रहा कि मैकलैरन की कितनी है। अरे यार ये कार का पेट्रोल डलवाने के लिए, चलो देखते हैं। ओके 80 तो टच करते यार। ओके अभी तक 78 पे रुकी पड़ी है, एंड थोड़ी देर और इसको भगा के देखते हैं। ओके 79 पे चल गई, हाँ अप्रोक्स मान सकते हैं कि हाँ 380 तक इसकी मैक्स स्पीड जाती है, ठीक है। ओके तो इसका भाई फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है, ओ भाई क्या गंदे तरीके से ठुकी है भाई ये। तो अभी एक काम करते हैं बैक चलते हैं, एंड अभी लेके आते हैं अपनी उसको चिरोन को, और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करने वाली है। सो गाइस सर अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, अभी इसको मैं विरोन को पकड़ता हूँ एंड इसको गैराज में लेके चलते हैं, ठीक है अपग्रेड में। एंड इसका इंटीरियर डाउनलोड ही नहीं था भाई, तभी तो मैं कहूँ कि इसको मतलब कि फर्स्ट पर्सन व्यू में ड्राइव करते हुए इतना मज़ा नहीं आ रहा। इसकी जो HP है ना वो भाई 1165 है, ठीक है। अगर बात की जाए अपने इसकी चिरोन की जो वो है ना भाई, इसको अरे यार अपग्रेड में लेके चलना इसको, इसकी भाई 1746 है भाई, आप सोच सकते हो कि इसकी जो HP है ना वो कितनी ख़तरनाक है भाई। तभी एक काम करते हैं इसको लेके चलते हैं सीधा रेसिंग ट्रैक पे, एंड देखते हैं, नहीं ऑनलाइन में चलते हैं भाई, ठीक है। एंड किसी के साथ रेस भी लगा के देखेंगे ना इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड यहाँ पे मैं वही हाईवे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड जल्दी से उसको वहीं पे टोल टैक्स के पास लेके चलते हैं, वहाँ से ना इसकी असली जो रेस है ना उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई डोंट नो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगी। ओके इस बुगाटी की जो भाई एक मस्त बात है ना वो ये है कि इसका जो स्पॉइलर है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है मुझे। सो चलो इसकी भी जो रेस है ना वो हम यहाँ तक लगाने वाले हैं, ठीक है। एंड देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करने वाली है यहाँ तक। ओके सो अरे भाई 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 अरे रुको थोड़ा सब्र रखो, फ्यूल नहीं है क्या इसमें। ओके तो अभी काम करते हैं चलिए चलते हैं इसको लेके आगे साइड पे। इसकी स्पीड भी भाई ठीक लग रही है मुझे भाई, असली परफॉर्मेंस इसकी यहाँ पे दिखने वाली है। ओके सो अभी इसको यहाँ से निकालते हैं जल्दी से, एंड लेट्स गो अपने उस वाले ट्रैक पे चलते हैं। एंड चलो गाइस सर अभी जो इसकी स्पीड है ना उसको चेकआउट करने वाले हैं, और देखते हैं कि इसकी जो स्पीड है ना वो कहाँ तक जाती है मैक्स। ओके तो अभी तक इसने 250 टच कर लिया है, एंड 300 ही भाई काफ़ी इजीली टच कर लिया। एंड ये कौन सी गाड़ी है भाई, कितनी चमक रही थी भाई दो वाली गाड़ी। ओके तो यहाँ पे ये 350 भी इसने टच कर ली काफ़ी ईजिली भाई साहब। ओ भाई ये तो 400 हिट करने वाली है। ओके 400 हिट कर ली इसने बुगाटी चिरोन भाई साहब, इसने तो काफ़ी ख़तरनाक स्पीड दिखा रखी है अपनी। ओके तो अभी यहाँ पे हो चुकी है इसकी 440,
ओके तो गाइस यार अभी तक ना ये भाई चल ही रही थी भाई, इसकी जो स्पीड है ना वो कम हो ही नहीं रही थी, मतलब कि कहीं पे रुक नहीं रही थी, इसकी जो स्पीड है ना वो चलती जा रही थी। एंड अभी काम करते हैं ना, इसको ना यहाँ से भगाते हैं एंड सामने साइड पे लेके चलते हैं एंड अभी देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो कैसी लगने वाली है। एंड मैं यहाँ पे कैसे आ गया यार, चलो अब एक काम करते हैं इसको ट्रैक पे लेके चलते हैं एंड इसकी जो स्पीड है ना वो देखते हैं कि मैक्सिमम इसकी स्पीड कहाँ पे जाके रुकने वाली है, ठीक है। सो लेट्स गो। सो गाइस सर अभी देखो हम अगेन से उसी स्पीड पे पहुंच चुके हैं जितने भी ये पहले थी। सो गाइस सर अभी देखो इसने 450 स्पीड क्रॉस कर लिया है एंड गेम लैग भी होना स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ अपने फ़ोन की बैटरी यार लो हो गई है भाई, यार यही होता है मेरे साथ। ओके तो अभी यहाँ पे 461, 62 एंड 63 भाई ये मान के चलो कि ना मैक्सिमम इसकी ना 470 के आसपास इसकी स्पीड मान के चलो भाई, बिकॉज ऑफ इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती जा रही थी। अब भाई यहाँ पे जो फ़ोन की बैटरी है ना वो भी लो हो चुकी है एंड आप लोगों को पता ही है कि अगर मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है ना तो भाई गेम लैग करने लग जाती है। सो ऐसे यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला भाई गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी भाई बीच में, भाई इसकी भी स्पीड मस्त है। एंड हाँ साथ साथ में ना मैकलैरन की भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ना उसकी भी जो स्पीड है ना वो भाई 400 प्लस चली जाती है, इसकी मान के चलो 470 के अप्रोक्स, ठीक है, मतलब 470 के आसपास इसकी स्पीड हो सकती है। एंड अभी काम करते हैं गैराज में चलते हैं एंड मैकलैरन को यहाँ पे पकड़ते हैं एंड अभी ना इसको ना अपग्रेड सेक्शन पे लेके चलते हैं एंड इसकी जो एचपी है वो 1154 इसकी एचपी है। एंड अभी हम यहाँ पे ना थोड़ा बैक आते हैं एंड टर्निंग मैंने इस पर मैं कोई सा भी इंजन नहीं डलवाने वाला, अगर मैंने इसमें कोई सा भी इंजन डलवाया तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो भाई मैं इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस सर अभी के टाइम पे ना जो उसकी एचपी है ना वो भाई 1161 हो चुकी है एंड अभी काम करते हैं बैक चलते हैं एंड इस वाली गाड़ी की भी ना एक बार रेस करके देख लेते हैं एंड देखते हैं कि इसकी जो मैक्स स्पीड है ना वो क्या होने वाली है। वैसे मैंने पहले देख रखा है कि हाँ इसकी कितनी स्पीड गेन कर पाती है, ये आई थिंक हाँ 450 प्लस थी मेरे ख्याल से, बट अभी एक बार दोबारा से इसको चेकआउट कर लेते हैं एंड पता लग जाएगा कि इन तीनों में से ना कौन सी कार ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि अगली जो कार है वो हम कौन सी ओपन करें, ठीक है। सो चलो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड हाईवे पे आ चुके हैं सीधा एंड गेम तो लैग करने वाली है। चलो मैं आपको ना इसको लास्ट वाला पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है, लास्ट में इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी होने वाली है। सो लेट्स गो देखते हैं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। सो गाइस सर अभी देखो मैंने इसको दूसरी तरफ से ट्राई किया है एंड इसकी जो स्पीड है ना वो भाई थोड़ी सी देर में ही भाई 400 प्लस हो चुकी है एंड इसका भाई फ्यूल भी खत्म हो गया है, यार यही होता है भाई मेरे साथ। एंड अभी इसको चेकआउट करने वाले हैं कि इसकी जो मैक्स स्पीड है ना वो कितनी जाने वाली है। वैसे पिछली बार ना मेरे पास गलती ये हो गई थी कि जो इसकी स्पीड थी ना वो भाई छूट गई थी हाथ से। सो अभी के टाइम पे तो ये भाई 461 के आसपास हो चुकी है। ओके 470 ये प्लस कर जाएगी आई थिंक, बुगाटी चिरोन से भी ज़्यादा भाई। ओके भाई साहब ये 470 71, अरे आओ भाई सामने आओ। ओके अरे यार इसकी स्पीड फिर गिर गई यार। हाँ बट हाँ इतना पक्का बताया कि इसकी जो स्पीड है ना वो भाई 475 तो मान के चलो काफ़ी इजीली एंड जोर लगा के देखा जाए तो भाई हो सकता है कि 480 तक ये पहुँच जाए। बाय द भाई ये एक बात तो है, मैकलैरन और इनके बीच में अगर रेस की जाए तो भाई मैकलैरन यहाँ पे फर्स्ट आने वाली है अगर लॉन्ग रेस की गई तो। बाय द चलो अभी बैक चलते हैं एंड आज तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि गाइस यार ओके तो हमको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिल चुका है, 10,000 हमको कॉइन मिल चुके हैं एंड 10 हमको वो मिल चुके हैं गोल्डन कॉइन। ओके तो अभी भाई आप बताओ कि आपको इन तीनों में से ना कौन सी कार ज़्यादा मस्त लग रही है भाई, लुक वाइज आप बता सकते हो। लुक वाइज तो देखो नॉर्मल है यार, जो अपनी यही है ना यही वाली गाड़ी मुझे ज़्यादा मस्त लग रही है ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। एंड ये वाली गाड़ी का तो भाई कोई नामो निशान है ही नहीं, ठीक है, ये तो भाई सबसे इन तीनों में से थर्ड पोजीशन पे यही आने वाली है, सेकंड पे भाई अपनी बुगाटी चिरोन है और फर्स्ट पे भाई अपने मैकलैरन है। सो चलो सो गाइस बातों बातों के चक्कर में आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताना भूल ही गया, तो अभी काम करते हैं चले चलते हैं डिस्कॉर्ड में एंड आपको ना थोड़ा बहुत बता देते हैं कि मेरे डिस्कॉर्ड में एक्चुअली में क्या कुछ होने वाला है, मतलब मेरा नहीं है हम सबका है, ठीक है। सो जैसे ही आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करोगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे डिस्कॉर्ड का भी एंड सेकंड चैनल का भी, सेकंड चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना जो भी अपने बीजीएमआई के प्लेयर है, ठीक है। एंड जैसे अभी ज्वाइन करोगे ना तो उसके बाद सबसे पहले तो हु ज्वाइंड,
तो यहाँ पे आपको ना सब कुछ वो मिलेगा, जोन सभी आप जो भी ज्वाइन करोगे ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारा सा मैसेज मिलने वाला है ज्वाइन जैसे आप करने वाले हो, ठीक है। वेलकम का आपको एक एनिमेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा भाई, मैंने काफ़ी मेहनत से इसको डिज़ाइन किया था। एंड उसके बाद भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स, ठीक है। आप रूल्स में आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी आपको रूल्स हैं एक बार इनको पढ़ लेना, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, नहीं तो आपको टाइम आउट मिल सकता है। एंड अभी चलते हैं बैक एंड वाइट नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने मेन चैनल पे, तो यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है सबसे पहले, ठीक है। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट में, यहाँ पे अभी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया अच्छे तरीके से, हाँ थोड़ी बहुत जो भी अनाउंसमेंट रहती है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंड साथ साथ में भाई अभी इसको अच्छे तरीके से नहीं किया है, बट हाँ आगे चल के काफ़ी अच्छे तरीके से अनाउंसमेंट भी होने वाली है। सो गाइस सर अभी हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है भाई चैट सेक्शन। और गाइस सर यहाँ पे आने के बाद ना आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं एंड भाई पूरा चिल कर सकते हैं यार, यहाँ पे आप ऑडियंस के साथ बात करो, पूरा हंसी मजाक करो भाई, साथ में हम भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। सो शाम के टाइम पे ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है, सो यहाँ पे आके आप ज्वाइन करना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड उसके बाद भाई आप यहाँ पे सजेशन में, तो भाई यहाँ पे अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने, ठीक है। एंड नीचे साइड पे चलते हैं कमांड्स पे, यहाँ पे भाई कमांड्स दी जाती है बोट के थ्रू, यहाँ पे आपकी रैंक पता लगती रहेगी, प्राइवेट लॉबी भाई ये तो अपनी रहेगी, ठीक है। एंड मीडिया पे जाके आप कोई भी अपनी मतलब कुछ भी या फिर छोटे मोटे या फिर फनी भाई मीम्स आप यहाँ पे भेज सकते हैं, लाइक कोई फनी वीडियो हो गई तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एंड अभी चलते हैं अपनी गेमिंग पे, ठीक है। गेमिंग में यहाँ पे आपको एक BGMI का कैटेगरी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको मिलेगी BGMI, मतलब ओनली BGMI, यहाँ पे आप BGMI से रिलेटेड आप बात कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी आपकी ID है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड यहाँ पे जो BGMI मूवमेंट्स है ना, इसमें आप भाई अपने जो क्लच रहते हैं या फिर काफ़ी खतरनाक क्लच फनी मूवमेंट्स BGMI के, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रायो VC है एंड साथ साथ में स्क्वाड VC है, तो यहाँ पे जैसे आप मतलब कि अगर आप यहाँ पे ऑडियंस के साथ BGMI खेल रहे हो, तो आप उनको यहाँ पे बुला के आराम से मस्त आप चिल कर सकते हो। एंड साथ साथ में अभी आप बढ़ते हैं अपनी माइनक्राफ्ट की तरफ, तो गाइस यार यहाँ पे माइनक्राफ्ट के कैटेगरी है जहाँ पर आपको दो चैनल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक है चैट का और एक है माइनक्राफ्ट VC का। सो चैट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप नॉर्मली कोई भी चैट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी माइनक्राफ्ट से रिलेटेड चैट रहेगी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड साथ साथ में यहाँ पे VC में भाई जब भी हम प्ले करेंगे माइनक्राफ्ट को, तो यहाँ पे आके हम आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी काम होता है बैक चलते हैं। एंड उसके बाद आता है वॉइस चैनल, यहाँ पे अपना एक प्राइवेट वॉइस चैनल है और साथ साथ में VC है भाई, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, ऑडियंस मतलब आप सभी के सभी मिलकर ना बात कर सकते हो और हम भी आ जाते हैं कभी कभी यहाँ पे, ठीक है। एंड साथ साथ में यहाँ पे भाई OVO है, यहाँ पे भाई हम किसी को भी पंच मार सकते हैं, जैसे कि OVO पंच, OVO मतलब कि जो भी आपको लिखना है ना, आप सपोज डैट कि आपको अपने फ्रेंड को पंच मारना है जो कि इसी सर्वर में है, एंड यहाँ पे आप लिखो OVO पंच, उसके आगे @ लगा देना, तो भाई OVO जो है उसको पंच मारेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। सो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख ही सकते हो भाई, यहाँ पे कितने प्यारे तरीके से भाई थप्पड़ मारे जा रहे हैं भाई, क्या करें यार। चलो अब ये बैक चलते हैं। एंड यहाँ पे भाई यहाँ पे जो ये दो है ना भाई, इनका मुझे कुछ ज़्यादा पता है ही नहीं है, यहाँ पे कॉइन्स के बारे में बात चलती रहती है, सो इसको छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे भाई म्यूजिक आ जाएगा, सो यहाँ पे आप कमांड देके म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे साइड पे आपका रिपोर्ट सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, मेनली तो भाई ऊपर साइड पे है, तो आप यहाँ पे आओ ज्वाइन करो, पूरे मस्ती करो भाई दबा के। सो चलो गाइस यार आज की इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही था, तो चलो मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on.